हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहां पर आप सभी को उत्तराखंड में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते हैं, तो इसमें आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आई थी कि आपका जो अभी एग्जाम है ग्रुप डी का, उसके बारे में पढ़ाएं। तो इसी के लिए हम आप सभी के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन लेके आए हैं। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले मैं आपको, आज का जो ये वीडियो है ये एक जर्नल वीडियो है, यहाँ पे आपको आज कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बताया जाएगा कि आने वाले कुछ समय में इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ये कोर्स अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे फायदा होगा। तो आज का जो लेक्चर है वह यही है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आगे इसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे आपका सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी जो रिसेंट में एग्जाम है उसमें ये कहां कहां पे आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहला अगर हम बात करें, जिसमें आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी, यूबीटीआर ग्रुप डी, जो अभी हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में आपकी समूह घ की UBTER के थ्रू, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के थ्रू आपके कुछ पोस्ट निकली थी, लगभग 401 पोस्ट थी, उसमें ये सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो जैसे कि मैं आपको उसमें बता दूं कि उसमें सिलेबस में क्या था, जो UBTER ग्रुप डी है, UBTER ग्रुप डी में आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहां पर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 6 सब्जेक्ट हैं दोस्तों आपके। सबसे पहले आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, उसके बाद वहां पे आपसे पूछी जाएगी क्या, अंग्रेजी पूछी जाएगी आपसे, वहां पे सामान्य हिंदी यानी हिंदी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, यहाँ पे प्रौद्योगिकी का पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रिसेंट पेपरों को देख के ऐसा लगता है कि जो प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन है वो भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड प्रौद्योगिकी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम अभी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा गणित, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे सब्जेक्ट सॉरी आपके आने UBTER ग्रुप डी में, तो यहाँ पे जो हम कवर करेंगे इस वीडियो कोर्स में, यहाँ पे हम कवर करेंगे केवल सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पे आपके लिए तो UBTER ग्रुप डी समूह गौ के लिए आपके लाभदायक है। उसके बाद UTET सेकेंड पेपर होता है विज्ञान वर्ग वालों के लिए, गणित और विज्ञान वर्ग के लिए, जहां पर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका चाइल्ड पेडागॉजी बाल विकास, उसके बाद दूसरा होता है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, और जो चौथा आपका पेपर होता है गणित और विज्ञान। यहां पर जो UBTER ग्रुप डी है, यहां पर जो इसका लेवल है वो 8th तक रहेगा, क्लास 8th तक। UTET में इसका लेवल जो रहेगा वो हाई स्कूल स्तर का रहेगा, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि आपके हाई स्कूल बेसिक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके 11th और 12th से भी पूछे जा सकते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो उत्तराखंड PCS का एग्जाम है, ये प्री में भी आता है और आपका मेंस में, तो इसका एक पूरा पेपर होता है, पेपर नंबर 6 मेंस में, जो 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, वहां पे डिटेल में है, वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने होंगे, उसके आंसर्स लिखने होंगे। बट जो आपका ग्रुप डी है, UTET सेकंड पेपर है, UKPCS का प्री का एग्जाम है, यहाँ पे आपके MCQs ही आएंगे, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने, कुछ में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये तो उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड के अलावा अगर आप तैयारी करना चाहें SSC, CGL, NDA, CDS और रेलवे में भी आपके जो सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल का मेन उद्देश्य उत्तराखंड पर ही फोकस करना है, क्योंकि हमारी टीम का मानना है कि उत्तराखंड में अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन, इसको समाप्त करना है। तो सबसे पहले अशिक्षा की बात करें तो उसके लिए हम फोकस करेंगे कहां पे, केवल उत्तराखंड की शिक्षा पर ही, उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों पर या उत्तराखंड की जनरल नौकरियों पर। तो दोस्तों, ये तो जनरल बात थी आपकी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या इसमें आपका होता है क्या हाई स्कूल लेवल का या ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी के फैक्ट्स पढ़ लेने, आप एनसीईआरटी आप अभी तक पढ़ते हुए हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके घर में आपके रिलेटिव होंगे, भाई बहन होंगे, या पड़ोसी से मांग लीजिए, एनसीईआरटी आप मांग सकते हैं। अगर आपको मांगने में हिचकिचाहट होती है तो आप इंटरनेट के थ्रू इसकी पीडीएफ फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यह फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली,
उसके बाद आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट की एमसीक्यू आपकी आती है, वहां पर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, तो वहां पे आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। मेन फोकस आपको किस पे करना है, कंसेप्ट पे करना है और एमसीक्यू पे करना है। आपको क्वेश्चंस देखिए जो एमसीक्यू है वो ऑप्शंस के हिसाब से टफ और आसान बन जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू में कैसे करें, आपको कैसे करना चाहिए, कंसेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। अब इस कोर्स में जो आपको रोज तो नहीं, अभी शुरू में हम वीकली में हफ्ते में 3 वीडियोस लेके आएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे शाम को 8 बजे आपको सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पे कोर्स मिलेगा। उसमें आपको हम क्या कवर कराएंगे, इसमें हम आपको सबसे पहले कवर कराएंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये बेसिक साइंस है। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी वाली बात करें, टेक्नोलॉजी में देखिए आजकल क्वेश्चन, पहले मैं बताता हूँ, स्पेस, डिफेंस या कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको अभी तैयार करना है तो अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपको पेपर देने से पहले सिलेबस के साथ साथ पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो रिसेंट में जिनमें घटनाएं हुई है, जो समसामयिक की, जैसे इस समय अगर आप मान के चले चंद्रयान से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन जो आपका दूर संचार है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे टॉपिक्स याद रखने हैं जो दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित हैं, उसी से रिलेटेड हम फोकस करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ पड़ता है। तो हम फोकस करेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज तो यह एक जनरल वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो था, कल हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट, मापन से। तो यहां पे एक प्रश्न जनरली पूछा जाता है, किसी का मात्रक पूछ लिया जाता है या किसी की बीमाएं, डायमेंशंस पूछ ली जाती है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों हम यहां पर बहुत सारे टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो आपको हमारी टीम का यह प्रयास कैसा लगा उसमें भी आप अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं। और गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में हमारी वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।